नमस्कार, मैं दीप्तनु, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनु शिल ब्लॉग को। दोस्तों, अभी जो पीछे आप लोग देख रहे हो ये है त्रिपुरा का पुराना हेरिटेज, आप कह सकते हो, या फिर राजमहल भी कह सकते हो। तो मैं आज ये ब्लॉग शूट करने आ पहुंचा हूँ त्रिपुरा के पुराना राजमहल पे। आज आप लोगों को पूरा कवर करके दिखाऊंगा इनसाइड क्या कुछ नज़ारा है, राजा महाराजा लोगों का जो निवास स्थान था वो कैसा होता है, और पूरा हिस्ट्री आज इस ब्लॉग पे उजागर होगा। तो ब्लॉग पे आप लोग एंड तक जरूर बने रहना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि आज का ये ब्लॉग भी काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा त्रिपुरा के हिस्ट्री के बारे में पता भी चलने वाला है। तो ब्लॉग पे आप लोगों का रिक्वेस्ट है मेरा एंड तक ज़रूर बने रहने का। धीरे अभी मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा इनसाइड जो पुराना राजमहल है त्रिपुरा के महाराजा का, वो कैसा लुक पे अभी है मुझे पता नहीं। तो मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो आप लोगों को भी फर्स्ट टाइम ये नज़ारा देखने के लिए मिलेगा मेरे चैनल के ओर से। तो आप लोग इस ब्लॉग पे मेरे साथ बने रहिए। अभी मैं धीरे धीरे इनसाइड जा रहा हूँ और आप लोगों को क्या कुछ नज़ारा है त्रिपुरा के राजमहल का वो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन में फिर से कर दूंगा, ये जो राजमहल है ये त्रिपुरा का ओल्ड राजमहल है, क्योंकि त्रिपुरा का जो मेन राजमहल अभी फिलहाल है वो अगरतला में है, और अब मैं जो हूँ ये उदयपुर में हूँ। और ये जो राजमहल बनाया गया था उस टाइम पे उदयपुर का नाम था रंगामाटी। मौका मिल ही गया है कि आप लोगों को ये जो पुराना राजबाड़ी है जो उदयपुर में स्थित है उसका क्या कुछ लुक एंड फील है वो दिखाने के लिए अभी फिलहाल मैं इनसाइड राजमहल के इनसाइड हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि राजमहल का क्या कुछ नज़ारा है। ये जो आप लोग देख रहे हो अभी, ये पूरा का पूरा जो है एक हेरिटेज बन चुका है। यहाँ पर ना तो कोई लोग रहता है, ना तो इसका कोई प्रॉपर मेंटेनेंस है। जो भी आप लोग देख रहे हो वो सालों पहले जैसा बन के रेडी हुआ था, आज भी ऐसा ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जब भी आप लोग त्रिपुरा का ओल्ड राजमहल जो है वो विजिट करने आओगे। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को आगे भी लेके जाऊंगा और क्या कुछ नज़ारा है त्रिपुरा के पुराना राजबाड़ी का वो आज कॉम्प्लीटली इस ब्लॉग पे दिखाऊंगा। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो आपको एक सुकून मिलेगा, एक पीस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई उतना शोर शराबा नहीं है। तो सिटी लाइफ से काफ़ी हटके आप लोगों को नज़ारा देखने के लिए मिलेगा जब भी आप लोग विजिट करने आओगे त्रिपुरा के ओल्ड राजमहल को।
पुराने राजमहल के ठीक बाजू पे ही आप लोग जब भी आओगे तो आप लोगों को भी ऐसे ही एक भुवनेश्वरी टेम्पल देखने के लिए मिलेगा। और ये जो भुवनेश्वरी टेम्पल है, इससे जुड़े त्रिपुरा का काफ़ी कुछ हिस्ट्री है जो कि आज के इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे मैं इनसाइड लेके जाऊँगा और भुवनेश्वरी टेम्पल का क्या कुछ नज़ारा है और इससे जुड़े क्या कुछ हिस्ट्री है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस भुवनेश्वरी टेम्पल के ऊपर बेस करके काफ़ी कुछ हिस्ट्री को त्रिपुरा के बारे में लिख के रखा है अपने ही जो उपन्यास है। और आप लोग जब भी उस उपन्यास को पढ़ोगे तो आप लोगों को भी ऐसे कुछ डिटेल हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए मिलेगा। और उस उपन्यास का नाम है राजर्षि। और आप लोगों को अभी इनसाइड लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या कुछ नज़ारा है भुवनेश्वरी इनसाइड टेम्पल के अंदर। तो धीरे धीरे अभी मैं भुवनेश्वरी टेम्पल के इनसाइड जाने वाला हूँ और आप लोगों को इनसाइड का क्या कुछ नज़ारा है दिखने मिलेगा आप लोगों को जब भी आप विजिट करोगे, वो दिखाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे मैं जो है दरवाज़ा ओपन कर रहा हूँ अभी और इनसाइड क्या कुछ नज़ारा है पूरा कवर करके दिखाऊंगा आज के इस ब्लॉग पे। तो आप लोग अभी देख सकते हो, ये जो टेम्पल आप लोग देख रहे हो यही भुवनेश्वरी टेम्पल है। जब भी आप लोग विजिट करने आओगे तो आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा इनसाइड भुवनेश्वरी टेम्पल का। और ये उदयपुर गोमती डिस्ट्रिक्ट में एक फेमस टेम्पल आप लोग कह सकते हो, क्योंकि इस टेम्पल से जुड़े काफ़ी हिस्ट्री त्रिपुरा में है। और आप लोग जब भी विजिट करने आओगे तो आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा क्या कुछ हिस्ट्री यहाँ पे है और यहाँ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है त्रिपुरा का जो पुराना राजमहल था वो भी यहाँ पर ही स्थित था। और त्रिपुरा का राजा महाराजा लोग ये भुवनेश्वरी टेम्पल पे पूजा भी करते थे। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, मगर गवर्नमेंट अभी टेक केयर करते हैं इस भुवनेश्वरी टेम्पल को। और इससे जुड़े काफ़ी हिस्ट्री अभी भी जुड़े हुए हैं त्रिपुरा के हिस्ट्री पे, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसके ऊपर काफ़ी हद तक लिखा है अपने उपन्यास पे। तो आप लोग जब भी विजिट करने आओगे तो आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा दिखने के लिए मिलेगा। तो मैं हूँ भुवनेश्वरी टेम्पल के बाजू पे और पीछे जो आप लोग वॉच टावर देख रहे हो, अभी मैं धीरे धीरे उस वॉच टावर पे पहुंचूंगा और आप लोगों को उदयपुर का क्या कुछ नज़ारा वहाँ से देखने के लिए मिलता है वो पूरा कवर करके दिखाऊंगा। तो आप लोग ब्लॉग पे एंड तक ज़रूर बने रहना। दोस्तों जब भी आप लोग भुवनेश्वरी टेम्पल या फिर त्रिपुरा का जो पुराना राजबाड़ी है उसको विजिट करने आओगे तो बी केयरफुल, क्योंकि ये जो टावर है ये अभी प्रॉपर नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा जंग लग गया है जिसके वजह से आप लोगों को शायद चढ़ने में काफ़ी सारा दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा। तो आप लोग जब भी इस पे चढ़ोगे तो आप लोग केयरफुल रहना, क्योंकि इसका जो स्टेयर है प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं है। मगर फिर भी मैं रिक्स ले रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पर लेके जाऊँगा और आज के इस ब्लॉग पर पूरा नज़ारा आप लोगों को कम्प्लीटली कवर करके दिखाऊँगा। तो इसी बात पर वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। आपको आज उदयपुर शहर का नज़ारा कैसा दिखने के लिए मिलता है इस वॉच टावर के ऊपर से कवर करके दिखाने वाला हूँ। तो इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक बनता है, तो आप लोग अभी से लाइक कर दो और मेरे साथ इस ब्लॉग पे एंड तक ज़रूर बने रहना। तो आप लोग नज़ारा देख रहे हो, ये उदयपुर का नज़ारा है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि भुवनेश्वरी टेम्पल के बाजू पर जो वॉच टावर है उसके ऊपर से उदयपुर शहर का पूरा नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को लेके आया हूँ अभी इस वॉच टावर के ऊपर, और अभी जो नज़ारा आप लोग कैप्चर करके दिखा रहा हूँ ये पूरा का पूरा उदयपुर का नज़ारा है। जब भी आप लोग विजिट करने आओगे पुराने राजबाड़ी को तो आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। अगर थोड़ा सा जूम इन करके आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे आप लोग जो अभी रिवर देखने के लिए मिल रहा है वो रिवर है गोमती रिवर। और ये रिवर जो है त्रिपुरा का एक वन ऑफ द फेमस रिवर भी आप लोग कह सकते हो। और जो नज़ारा है कम्प्लीटली ग्रीनरी है, आप लोग देख सकते हो ऑल साइड सराउंडेड बाई ग्रीनरी एंड ग्रीनरी। तो आप लोग जब भी यहाँ पे विजिट करने आओगे तो आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा आई प्लीजिंग लुक है जो कि आप लोगों को भुवनेश्वरी टेम्पल के बाजू पे जो वॉच टावर है उसके ऊपर चढ़ने के बाद देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मैं अभी जो आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ इससे भी बेहतर नज़ारा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जब भी आप लोग ऑन स्पॉट यहाँ पर विजिट करोगे। बहुत बहुत आई प्लीजिंग नज़ारा है जो अभी
आप लोग देख रहे हो, और साथ में रिवर होने से विंटर टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ठंडी रहता है दोस्तों। तो ओल्ड राजमहल को उदयपुर में विजिट करने के बाद मैं आ पहुंचा हूँ गुणवती ग्रुप ऑफ टेम्पल के एकदम नजदीक। पीछे जो आप लोगों को नजारा देखने के लिए मिल रहा है यह है गुणवती ग्रुप ऑफ टेम्पल का नजारा। जब आप लोग उदयपुर पे विजिट करने आओगे, अगर राजमहल पे कोई भी विजिट करते हो, तो उसके बाद आप लोग जरूर गुणवती ग्रुप ऑफ टेम्पल के इनसाइड एक बार आके जाना, क्योंकि ये जो है आप लोगों को सिर्फ महज 2 किलोमीटर दूर दिखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग 2 किलोमीटर उदयपुर पुराने ओल्ड राजमहल से विजिट करते हुए आप पहुंचोगे, तो आप लोगों को कुछ इसी तरीके का नजारा देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आई प्लीजिंग है। यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हो पीछे, ये वाला फर्स्ट टेम्पल है इसके अंदर, और उसके बाद बीच पे एक टेम्पल आपको कुछ इस तरीके का दिखने के लिए मिलेगा, और साइड पे और एक रहेगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखने के लिए मिलेगा। ये तीनों ही टेम्पल को बेस करके यहाँ का जो लोकलाइड है, ये लोग इस प्लेस को 3 मंदिर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग किसी भी लोकलाइट से पूछोगे कि मुझे 3 मंदिर जाना है, तो आप लोगों को इसी प्लेस पे लाके छोड़ देगा। और ये जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कहा तो ये जाता है कि त्रिपुरा के जो राजा महाराजा हुआ करता था, उन्होंने उनके रानी के लिए ये 3 मंदिर बना के रेडी किया था, और उसके बाद ये राजा ने जो है विष्णु देवता के मंदिर को मद्देनज़र रखते हुए इस प्लेस को रखने वाला था, बनाने वाला था। मगर सर्टेनली राजा जो है वो ये जो रंगामाटी है इस प्लेस को छोड़ के अगरतला में चला गया, इस वजह से ये जो मंदिर है ये इनकम्प्लीट रह गया, और इसके अंदर कोई भी आइडियल रखा नहीं गया। फिलहाल ये जो प्लेस है ये इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो है टेक केयर किया जाता है, और इस प्लेस को आप लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम से भी अभी जान सकते हो। होप गाइस आज के इस ब्लॉग पे मैंने सब कुछ आप लोगों को कवर करके दिखाया, त्रिपुरा के वन ऑफ द फाइनेस्ट हेरिटेज के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिला। अगर आगे भी आप लोगों को ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, त्रिपुरा के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के ब्लॉग पे इतना ही, मिलता हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों, बाय।